ने भी खुद एक गाड़ी 160 की स्पीड से चलाई थी ये दिखाने के लिए कि रोड कितना स्मूथ है। तो क्या हमारे रोड स्टैंडर्ड उतनी गाड़ी की स्पीड के लिए कैपेबल है कि इतनी स्पीड में गाड़ी चल सकती है? दूसरा छोटा सा सर, जो पैचेस लगाए जाते हैं वो अक्सर देखा जाता है कि जो ओरिजिनल रोड है उससे नीचे ऊपर होते हैं, तो कभी उस पैच पे से गाड़ी निकलती है तो वो जंप लगा के एक्सीडेंट भी हो जाता है। हमारे एनएचए के कोई रोड पर पैच देखा है सर? खदे रोड का नाम बता दें आप। सर अब उसको बहस की तो बात नहीं है, बहस नहीं, मैं बताऊँ पैच अपना अपना हमारा लफड़ा नहीं है, ये पैच वाला लफड़ा जो था वो कॉर्पोरेशन का और राज्य सरकार की वजह से पैच। हम तो कंक्रीट रोड बनाते और एक बार होते तो बहुत अच्छे करते। दूसरा पहला सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, देखिए हमारे यहाँ चेन्नई हाईकोर्ट ने हमारी जो स्पीड थी वो भी कम कर दी और हम स्पीड सुधार नहीं रहे। दूसरा मैंने जो 160 किलोमीटर थी वो ट्रायल प्रोजेक्ट था, नहीं तो मेरे ऊपर नियम भंग किया करके आप बोलोगे केस डालो करके, तो वो ट्रायल ले रहे थे रोड की उसकी थी। तीसरी बात यह है कि अब एक वाद हो रहा है, आप में से आधे पत्रकार मुझे आकर बताते हैं कि रोड में आपने इतने अच्छे बनाए कि स्पीड बढ़ी है, स्पीड को कंट्रोल किया। दूसरे मुझे देश भर में लोग रोज मिलते और मुझे नाराज है मेरे ऊपर, बोलते इतने अच्छे रोड बनाए, थोड़े 80-100 की स्पीड की कूपन आता है हमको फाइन भरना पड़ रहा है, ये क्या लगाया आपने? आपके स्पीड के पैरामीटर आप ज्यादा तय क्यों नहीं करते? तो पहली बात तो इसके बीच में मेरा व्यक्तिगत मत यह है और आप भी लोग इसमें सुझाव दीजिए कि 6-लेन एक्सिस कंट्रोल रोड इसकी स्पीड कितनी हो, 4-लेन विदाउट एक्सिस कंट्रोल उसकी स्पीड कितनी हो, 2-लेन पेव शोल्डर की स्पीड कितनी हो, सिटी लिमिट में स्पीड कितनी हो, बाद में डिस्ट्रिक्ट रोड पर कितनी हो। तो आप लोगों को मैं आह्वान करता हूँ, आप लोग भी सुझाव दीजिए, मैंने भी इसका अध्ययन किया है और इसमें यूनैनिमिटी नहीं है और उसमें प्रॉब्लम हुआ कि कोर्ट ने अलग अलग निर्णय दे के रखे हैं। अब नए मोटर व्हीकल एक्ट में ये स्पीड तय करने का अधिकार हमको है। अब रोड अच्छा बना है कोई 100 पे जाता है, जहां 120 जाने में भी कोई अड़चन नहीं तो उसको तुरंत फाइन का कूपन आ जाता है उसके यहाँ, तो वो प्रॉब्लम लोग हमको बताते हैं क्योंकि हमने कैमरे बिठाए। तो अब इसके बारे में इसको सिंक्रोनाइज करने की आवश्यकता है बिटवीन द लाइन। हम चेन्नई हाईकोर्ट के निर्णय के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में हमने अपील किया है, पर मेरा गट फीलिंग है लॉ के हिसाब से कि हम लोग उसके बाद भी एक नया बिल या नया एक्ट बनाकर पार्लियामेंट में जाकर हम आप सबके सुझाव को इकट्ठा करेंगे, जनता के सुझाव को इकट्ठा करेंगे और हमारे जो डिफरेंट टाइप ऑफ रोड है उसके लिए आपके सुझाव पर एक एक्सपर्ट कमेटी, हमारी एडवाइजरी कमेटी भी है हमारे इसमें अभी, जिसमें हिंदुस्तान के सभी ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट है उनका भी सलाह लेंगे, जो एमपी कमेटी है हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की उनका भी सलाह लेंगे और पत्रकार लोग आप भी हमें मार्गदर्शन करिए और ये वेबसाइट पर ये जो सुझाव हम तैयार करेंगे उसको लेकर फिर हम इसको अंतिम स्वरूप देंगे। सर मेरा दो सवाल है, एक तो जो आपने आज कहा कि यूएनईसी के साथ हम अलाइनमेंट करेंगे सारे कंडीशंस का, ये 2019 में इसका खाका तैयार हुआ था, बाय 2023 इट वाज सपोज्ड टू बी डन। वन ऑफ देम वाज ऑब्वियसली दिस यू नो जो आपने कहा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी सिस्टम, और तीसरा जो आपने कहा कि एनकैप, ग्लोबल एनकैप। अनफॉर्चुनेटली जो है जो हम भारत एनकैप लाने की बात तब से शुरू कर रहे थे, क्या हम एनकैप के बदले में और कोई नाम नहीं सोच सकते हैं? क्योंकि ये दिस इज प्राइमरीली ड्रिवन बाय एक पर्टिकुलर कंपनी जो ग्लोबल एनकैप चलाता है, ये आप भी जानते हैं। दूसरा सवाल सर, आपने जो ये सीट बेल्ट पहनने की बात कही, एक छोटी सी मैं उदाहरण दूंगा, जैसे कहते हैं घर में गीता है लेकिन पढ़ना नहीं आता तो गीता का कोई फायदा नहीं है, इसी तरह से आज के दिन इवन जो 2 पॉइंट सीट बेल्ट है पीपल आर नॉट यूजिंग इन द रियर सीट, जब तक एनफोर्समेंट नहीं होगा, यू नो इवन इफ यू ब्रिंग न्यू लॉज न्यू कंडीशंस, खाली एक तो एक कंप्लायंस बर्डन बढ़ेगा, जब तक कंप्लायंस नहीं होता हाउ आर यू गोइंग टू डू दैट? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज नॉट अवेयरनेस व्हिच ब्रिंग्स एजुकेशन बट एनफोर्समेंट ब्रिंग्स एजुकेशन। देखिए आपकी बात बिल्कुल सच है और हमारे भी डिपार्टमेंट में इस काम की गति जो है उसके प्रति मुझे समाधान नहीं है। इसके कारण है कि कभी कभी हमको कुछ निर्णय फाइनेंस के अप्रूव से करने पड़ते हैं, कभी कभी हमारे लिए कोई अपॉइंटमेंट करनी है तो उसके काफ़ी टेक्निकल प्रॉब्लम्स होते हैं। वहाँ सेक्रेटरी को मैंने कहा है कि इसकी ओनरशिप, अब वो जो एडिशनल सेक्रेटरी है उसके पास है, अभी हम एक बदल के नए आ रहे हैं और मैं इन सब रोड सेफ्टी के काम से रोड सेफ्टी काउंसिल नहीं बना पाए हम लोग, वही टेक्निकल कामों में हमारी अटक गई। तो इसमें जो लेट हो रहा है डिले हो रहा है
कुछ तकलीफें आ रही है, इसमें आज सेक्रेटरी जो हमारे हैं उन्होंने काफ़ी निर्णय किए और आज मैंने उनको आपने कहा वही बात उनको कही है, जल्दी ही ये पर्टिकुलर विषय के सीरियसनेस को देखकर हम डिपार्टमेंट के अंदर इसके बारे में निर्णय करेंगे। ये जो नाम कौन सा रखना है, ये बात बिल्कुल आपने सही कहा, अब एक्स्टैब्लिश नाम वो है, अब इसको कोई अच्छा नाम हम लोग भी आपके मार्फत आज आप सबको आउटसोर्स करते हैं और आप मीडिया में हमको इसका भी सुझाव दीजिए और इस स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करते समय उस नाम के साथ हम करने की कोशिश करेंगे। और ये जो 3 पॉइंट सीट बेल्ट है जो है ये बिल्कुल अब कंपलसरी किया है और कल मैंने ये कंपलसरी किया है, मैंडेटरी किया है और कल मैंने इस फाइल पर साइन कर दिया। तो कुछ बातें मैंडेटरी करी है, कुछ बातों में हमें आपका भी सुझाव चाहिए कि पहली बार हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड के रूल्स रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो कहीं गलती ना हो, लोगों को तकलीफ भी ना हो, तो हम लोग ओपन माइंडेड है। मैं आपको एक बता दूं, एक कुणाल जोशी करके हाथ ऊपर कर, ये मेरा OSD है रोड सेफ्टी और ट्रांसपोर्ट डिवाइड, ये लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का फर्स्ट मेरिट है और बहुत अच्छा, इसको वर्ल्ड के भी नाम सब मालूम है और होशियार लड़का है, तो ये इसको बताइए आप। वो ऐसे 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 लोग हमारे पास रहे बिना काम नहीं होता। मेरा अरुण नरेंद्रनाथ वो IIT अभी वर्ल्ड बैंक में गया है, तो ये बेचारे वर्ल्ड की जानकारियां लेके गवर्नमेंट पैरेलल काम करता है, ये भी काफ़ी करता है। तो आप सब सुझाव इसके पास एक वेबसाइट पर सजेशन के लिए ओपन कर दो और आप भेजो और ये एडवाइजरी कमेटी भी हमारी, उनकी भी सजेशन लेंगे और आपके मार्फत आप पूरे देश में इन सब को डिटेल में लिख कर लोगों को बताओ और मैं ये वेबसाइट का आपको नाम दे दूंगा, आप सब सुझाव लोगों से भेजो, हम लोग उन सब का बिल्कुल अध्ययन करके उसका विचार करें। सर समीर दीक्षित सर, जो क्रैश टेस्टिंग वाला है इसमें थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझना चाहूंगा कि अभी जो टेस्टिंग होती है एनकैपी ग्लोबल उसके रेटिंग के बावजूद भी भारत में उतना अवेयरनेस नहीं है, तो आप जो भारत एनकैप लाने का विचार कर रहे हैं उसका रोड मैप क्या रह सकता है, कब तक लाएंगे? और दूसरा आपको एक बात मालूम है कि एक साल पहले एक न्यूज छपी थी, मैं नाम नहीं लेता कंपनी, तो ये कंपनी की गाड़ी ग्लोबल स्टैंडर्ड में क्रैश टेस्ट में पास हुई और ये कंपनियों की गाड़ी नहीं पास हुई। अब ये न्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट है और हिंदुस्तान का मार्केट भी बड़ा वोलेटाइल है और ग्राहकों को अवेयरनेस खड़ा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर जो गाड़ी क्रैश टेस्ट में पास हुई उसकी मार्केटेबिलिटी बढ़ेगी और जो ब्रांड अगर उस स्टैंडर्ड पर नहीं आएंगे तो लोग ही होशियार रहे थे हमारे यहाँ। अभी आजकल हम देखो कोई भी चीज़ है, हम कोई भी ब्रांडेड लेते समय बोलते ये कंपनी अच्छा है ले लो, तो ये जो अवेयरनेस है पब्लिक में यही मैं आपका कोऑपरेशन चाहता हूँ। और आप जब बोलेंगे, मैं नहीं बोलता नाम नहीं लेता, कि ये कंपनी पास हुई है और ये कंपनी फेल हुई है, तो जो फेल हुई है आपने एक वाक्य लिखा तो उसका बैंड बजता नहीं, बजाओ बैंड, जो परफेक्ट नहीं है उसका बजेगा, इसलिए सब परफेक्ट बनेंगे। तो ये मैं आज आपको जो बुलाया वो इसीलिए बुलाया, अब तुम वॉचडॉग हो और तुम्हें देखना है कौन परफेक्ट है और कौन नहीं है, ये अवेयरनेस आपके बिना नहीं हो पाएगा। और एक छोटी सी बात है जी, एक कंपनी को मैं एक घोषणा करता हूँ तो शेयर मार्केट में शेयर बढ़ जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, और आप एक न्यूज लिखवा दो एक साइड डाउन हो जाते हैं। तो ये जो आज का मेरा बिल्कुल रिक्वेस्ट है कि आप हमें इम्प्लीमेंट करने में जो सहयोग कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता, और हर आदमी रेपुटेशन विश्वसनीयता इज द बिगेस्ट कैपिटल ऑफ 21st सेंचुरी, और क्वालिटी 100% गुड क्वालिटी, इसकी विश्वसनीयता रेपुटेशन मत हो, इसीलिए तो लोग बोलते हैं ना एक ब्रांड के लिए अच्छे पैसे पे करते हैं। तो ये अवेयरनेस स्टडी करके आप इसके ऊपर चलाइए, हम भी आपकी मदद करेंगे और हम भी इसके सिस्टम को ऐसा करेंगे कि मार्केट में इमीडिएटली क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो जाए। बस एक लास्ट में सर, जो भी सेफ्टी के नए पैरामीटर्स आते हैं या इवन ये जो क्रैश टेस्टिंग है इसमें अमून ये देखा जाता है कि ऑटो मेकर्स उसका जो पूरा भी कॉस्ट होता है वो कस्टमर को बाईपास करने की कोशिश करते हैं, आपका क्या संदेश रहेगा इसको लेकर? ऐसा नहीं होता, मार्केट इज वेरी कॉम्पिटेटिव, और पहले क्या था कि जैसे अभी मेरा उदाहरण ठीक नहीं है, हम चुनाव लड़ते थे तो दो अखबार रहते थे तो वो चुनाव के समय एडवर्टाइजमेंट के रेट बढ़ा देते थे, अब क्या 15-20 अखबार हो गए, टीवी वाले आ गए, अब रेट नहीं बढ़ाता, वो बोलता है पूरी रेट है उसमें कैसे पैकेज तय कर दो, तो क्या हुआ मेन प्लेयर होने के कारण कॉम्पिटिशन हो गए तो कम हो गया खर्चा,
ये अभी कॉस्ट में भी उसको अपनी प्राइस को कॉम्पीट करके सेल भी करना है, तो वो थोड़ा बहुत समझता है कि क्या करने से कहाँ नुकसान है कहाँ फायदा है, क्वालिटी भी इम्प्रूव करना, कितना चार्ज करना कितना नहीं करना, इसमें धीरे धीरे बहुत अवेयरनेस आया है। तो ये एक पहला परसेप्शन था कि भाई ये इतने नॉर्म्स लगा रहे, इतने लगा रहे एयर बैग लगा रहे तो कीमतें बढ़ेगी, तो कीमत कितनी बड़ी होगी। तो अब क्या होता है कि जो एयर बैग 6,000 रुपये में मिलती थी वो अभी 1,500 में आई, दो बैग 12,000 की लगाई जाती थी तो आज 6 बैग 14,000 में हो जाएगी। तो ये वॉल्यूम का गेम होता है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल में ना ये नंबर बढ़ता है तो कॉस्ट कम होती है, तो वैसे ही नितिन जी वो अपनी अभी